स्वागत है आपका स्टडी सीकर्स में। आज हम डिस्कस करेंगे 7 मार्च 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इसके साथ ही लास्ट में हम प्रीवियस डे के रिवीजन्स भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस राज्य के होलोंगी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा खुलेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में। बात करें कि ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा क्या होता है, तो ये हवाई अड्डा ऐसी जगह पर निर्माण किया जाता है जहां पर पहले कोई एयरपोर्ट ना रहा हो तथा निर्माण करते समय पर्यावरण का पूरा ध्यान रखा जाता है। बात करें अरुणाचल प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। यहाँ के गवर्नर बी डी मिश्रा हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। अरुणाचल प्रदेश के फोक डांसेस हैं आजी लामो डांस, चलो डांस, पोपी डांस तथा पोनुंग डांस। अरुणाचल प्रदेश के फेस्टिवल्स हैं लोसार फेस्टिवल, लोकू फेस्टिवल, सोलुंग फेस्टिवल, सियांग नदी महोत्सव, जीरो संगीत महोत्सव। अरुणाचल प्रदेश के नेशनल पार्क हैं नामदफा नेशनल पार्क, माउलिंग नेशनल पार्क। अरुणाचल प्रदेश की ट्राइब्स हैं आदि ट्राइब, आपातानी ट्राइब, मोनपा ट्राइब, खंपाती ट्राइब। अरुणाचल प्रदेश में मठ पाए जाते हैं तवांग मठ, उर्गेलिंग मठ, रिगेलिंग मठ। अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ियाँ पाई जाती हैं डाफला, अबोर, मीरी, मिसमी और पटकाई बुम। बात करें अरुणाचल प्रदेश से हाल ही के करंट अफेयर्स की, तो वालुंग किवुथु रोड का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। भारत का पहला सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना अरुणाचल प्रदेश में शुरू की गई है। अरुणाचल प्रदेश का पहला हिंदी समाचार है अरुण भूमि। अरुणाचल प्रदेश ने केसर हिंद तितली को राजकीय तितली बनाया है। अरुणाचल प्रदेश में रावत हाल का उद्घाटन किया गया है। विश्व की सबसे बाई लेन सड़क सैला टनल है। पूर्वोत्तर भारत का पहला इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अथॉरिटी अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ने ट्रोगाया महोत्सव मनाया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य सरकार ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, झारखंड ने। झारखंड ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए शुरू किया है। बात करें वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम शुरू किया था। बात करें झारखंड से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड के गवर्नर रमेश बैस हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। झारखंड के फोक डांसेस हैं झूमेर डांस, डोम कच्छ डांस, लहसुआ डांस, फगुआ डांस तथा छाऊ डांस। झारखंड के फेस्टिवल्स हैं कर्मा फेस्टिवल, सरहुल फेस्टिवल, भागता पर्व तथा तुसु फेस्टिवल। झारखंड का नेशनल पार्क है बेतला नेशनल पार्क। बात करें झारखंड से हाल ही के करंट अफेयर्स की, तो झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक योजना लागू की गई है। झारखंड के हजारीबाग में अक्षय पात्र रसोई की स्थापना की गई है। कृषक पाठशाला और बिरसा ग्राम की स्थापना पूरे राज्य में की गई है। हाल ही में झारखंड ने नई पर्यटन नीति लागू की है। झारखंड ने सहाय स्कीम शुरू किया है। झारखंड ने उर्दू को नई क्षेत्रीय भाषा के रूप में जोड़ा है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महेंद्र नाथ श्रीवास्तव जी का। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थित है। बात करें रीसेंट अपॉइंटेड चीफ जस्टिस की, तो अलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं राजेश बिंदल। गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अरविंद कुमार। आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं प्रशांत कुमार मिश्रा। बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं दीपंकर दत्ता। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं पंकज मित्तल। बात करें हाईकोर्ट्स की, भारत का पहला हाईकोर्ट है कोलकाता हाईकोर्ट जिसकी स्थापना 1862 में हुई थी। भारत का नवीनतम हाईकोर्ट है अमरावती हाईकोर्ट जिसकी स्थापना 2019 में हुई थी। भारतीय संविधान के भाग 6 में हाईकोर्ट का उल्लेख है। बात करें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि रिलेटेड हैं हाईकोर्ट से, तो आर्टिकल 214 में प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 215 में कहा गया है कि हाईकोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय होगा। अनुच्छेद 216 में बताया गया है कि उच्च न्यायालय का गठन कैसे होगा। उच्च न्यायालय के गठन में बताया गया है कि एक चीफ जस्टिस होंगे तथा अन्य न्यायाधीश होंगे। आर्टिकल 217 में न्यायाधीश की नियुक्ति का वर्णन है, न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 219 में न्यायाधीश के शपथ का वर्णन है जो कि राज्यपाल दिलाते हैं। आर्टिकल 226 में हाईकोर्ट के रिट जारी करने की शक्ति है। आर्टिकल 231 में बताया गया है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक समान हाईकोर्ट हो सकता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सतत विकास रिपोर्ट 2021 में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फिनलैंड ने। बात करें सतत विकास रिपोर्ट की, तो इसको रिलीज करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। इसमें कुल 165 देशों की रैंकिंग की जाती है। इसको टॉप किया है फिनलैंड ने। सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक है 120।
बात करें इस रैंकिंग की टॉप 5 कंट्रीज की, तो नंबर 1 पे है फिनलैंड, नंबर 2 पे है स्वीडन, नंबर 3 पे है डेनमार्क, नंबर 4 पे है जर्मनी, नंबर 5 पे है बेल्जियम। बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, तो इसको यूनाइटेड नेशन ने पूरे वर्ल्ड को 2015 में 17 गोल्स दिए थे, जिसको पूरे वर्ल्ड को 2030 तक अचीव करना था। बात करें रीसेंट इंडेक्स की, तो ग्लोबल पीस इंडेक्स को टॉप किया है आइसलैंड ने, इंडिया की रैंक है 135। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को टॉप किया है जापान ने, इंडिया की रैंक है 83। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को टॉप किया है नॉर्वे ने, इंडिया की रैंक है 142। हैप्पीनेस इंडेक्स को टॉप किया है फिनलैंड ने, इंडिया की रैंक है 139। गिविंग इंडेक्स को टॉप किया है इंडोनेशिया ने, इंडिया की रैंक है 14। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को टॉप किया है न्यूजीलैंड और डेनमार्क ने, इंडिया की रैंक है 85। डेमोक्रेसी इंडेक्स को टॉप किया है नॉर्वे ने, इंडिया की रैंक है 46। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स को टॉप किया है यूएसए ने, इंडिया की रैंक है 45। वेल्थ रिपोर्ट को टॉप किया है यूएसए ने, इंडिया की रैंक है 3। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत ने किस संस्था के एरिया ऑफिस और नवाचार केंद्र खोलने के लिए समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की स्थापना 17 मई 1865 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसके सचिव हैं हॉलिन झाओ। यह एक इंडेक्स रिलीज करता है जिसका नाम है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, जिसको टॉप किया है यूएसए ने। इंडिया की रैंकिंग है 10। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9वें फिक्की वाटर अवार्ड्स में स्पेशल ज्यूरी अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। बात करें वर्ल्ड वाटर डे की, तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को शुरू 12 अगस्त 2011 में किया गया था। इसके निदेशक हैं जी अशोक कुमार। बात करें गंगा नदी तंत्र की, तो गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। गंगा नदी तंत्र को समझने से पहले हम समझते हैं पंचप्रयाग को। यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है, गंगोत्री से भागीरथी नदी निकलती है, केदारनाथ से मंदाकिनी नदी निकलती है, बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी निकलती है। जब अलकनंदा नदी से धौली गंगा मिलती है तो विष्णुप्रयाग बनता है। जब अलकनंदा से नंदाकिनी नदी मिलती है तो नंदप्रयाग बनता है। जब अलकनंदा से पिंडार गंगा मिलती है तो कर्णप्रयाग बनता है। और जब अलकनंदा और मंदाकिनी मिलते हैं तो रुद्रप्रयाग बनता है। और जब भागीरथी और अलकनंदा मिलते हैं तो देवप्रयाग बनता है। देवप्रयाग से ही अलकनंदा को गंगा नदी के नाम से जानते हैं। बात करें गंगा नदी की सहायक नदियों की, ये है हमारी गंगा नदी। गंगा नदी की लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना नदी, जो कि गंगा की सहायक नदी है, सोन नदी। गंगा नदी की राइट ट्रिब्यूटरीज हैं घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसिक नदी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में स्टडी इन इंडिया मीट कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ढाका बांग्लादेश में। बात करें भारत के पहले शिक्षा मंत्री की, तो ये अबुल कलाम आजाद थे। इनकी बुक का नाम है इंडिया मींस फ्रीडम। वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। बात करें बांग्लादेश से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, बांग्लादेश की मुद्रा टका है, बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद हैं, बांग्लादेश की मुख्यमंत्री शेख हसीना है, बांग्लादेश का नेशनल स्पोर्ट कबड्डी है। इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर की सीमा है 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी सुरमा है। बांग्लादेश का सबसे ऊंचा पर्वत साका हापा हॉन्ग है। इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप डे 6 दिसंबर को मनाएगा। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 3 पैसेंजर ट्रेन चलती है। एक है मैत्री, जिसे 2008 में शुरू किया गया था। दूसरी है बंधन, जिसे 2017 में शुरू किया गया था। तीसरी है मिथाली, जिसे 2020 में शुरू किया गया था। आइए देखते हैं बांग्लादेश का मैप। इंडिया बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है, जो है 4096 किलोमीटर। इंडिया के 5 स्टेट बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करते हैं। एक है वेस्ट बंगाल, दूसरा है असम, तीसरा है मेघालय, चौथा है त्रिपुरा, पांचवा है मिजोरम। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत ने किस देश के साथ मिलकर सस्टेनेबल कूलिंग इनिशिएटिव शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यूनाइटेड किंगडम के साथ। बात करें यूनाइटेड किंगडम की, तो इसकी कैपिटल है लंदन, यहाँ की करेंसी है पौंड, यहाँ के पीएम है बोरिस जॉनसन। यूनाइटेड किंगडम वर्ल्ड की पहली कंट्री है जिसने मैंडेटरी किया है इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस को हर घर के बाहर। यूनाइटेड किंगडम वर्ल्ड की पहली कंट्री है जिसने ड्राइवरलेस कार को परमिट कर दिया है रोड्स पर। यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया ने एग्री किया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए। COP26 ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। यूनाइटेड किंगडम ने महात्मा गांधी की फोटो को 5 रुपए के सिक्कों पर दर्शाया है।
आइए देखते हैं यूनाइटेड किंगडम का मैप। यूनाइटेड किंगडम यूरोप में स्थित है। यूनाइटेड किंगडम की चार कॉन्स्टिट्यूएंट कंट्रीज हैं। एक है नॉर्दर्न आयरलैंड जिसकी कैपिटल है बेलफास्ट, दूसरी है स्कॉटलैंड जिसकी कैपिटल है एडिनबर्ग, तीसरा है इंग्लैंड जिसकी कैपिटल है लंदन, चौथा है वेल्स जिसकी कैपिटल है कार्डिफ। आयरिश सी अलग करता है आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम को। अगर हम यूनाइटेड किंगडम के साउथ में देखें तो यहाँ पे है इंग्लिश चैनल और यहाँ पे ही है एक डोवर स्ट्रेट है जो फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को अलग करता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सौर ईंधन इस्तेमाल करने वाली विश्व की पहली एयरलाइन कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस जो कि स्विट्जरलैंड की है। बात करें विश्व का पहला सोलर फ्यूल कहाँ बनता है? तो ये ज्यूलिच जर्मनी में बनता है। बात करें स्विस इंटरनेशनल की तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 2002 में हुई थी। इसका मुख्यालय बेसल स्विट्जरलैंड में है। इसके प्रमुख हैं रीतो फ्रांसियोनी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश के दिग्गज स्पिनर शेन वॉर्न का निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। शेन वॉर्न का 52 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। शेन वॉर्न के निक नेम थे शेख ऑफ द ट्वेक, द किंग। इन्होंने टेस्ट में 708 विकेट लिए थे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में सौरभ चौधरी ने कौन सा मेडल जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप कायरो इजिप्ट में आयोजित हुई थी। महिला एयर 10 मीटर पिस्टल टीम इवेंट में श्री निवेथा ईसा सिंह रुचिका विनेकर ने स्वर्ण पदक जीता है। बात करें हाल ही के करंट अफेयर्स स्पोर्ट्स से तो उन्नति हुडा ने जीता है ओडिशा ओपन। PR सृजेश को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। मीराबाई चानू ने जीता है गोल्ड मेडल सिंगापुर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में। निखत जमीन ने जीता है गोल्ड मेडल स्ट्रेंजा बॉक्सिंग टूर्नामेंट में। दबंग दिल्ली ने जीती है प्रो कबड्डी लीग। सादिया तारिक ने जीता है गोल्ड मेडल मॉस्को वुशु स्टार्स 2022 चैंपियनशिप में। चलिए चलते हैं अब कल के रिविजन्स पे। हाल ही में किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर है हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब हाउसिंग ने किस राज्य में वाटर सेड विकास परियोजना की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में वीवा कार्निवल किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका आंसर है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना द्वारा अभ्यास वायु शक्ति 2022 का आयोजन किस स्थान पर होगा? तो इसका सही आंसर है जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने किस देश के साथ राजनयिक संबंध के 75 वर्ष पूरे होने पर लोगो जारी किया है? तो इसका सही आंसर है नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने किस देश के साथ यूरिया की आपूर्ति के लिए समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने खतरनाक मौसम को ट्रैक करने के लिए अगली पीढ़ी के गोष्ठी उपग्रह को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है नासा। यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट जेपोरेजिया में आग लग गई है, यह किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर है यूक्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूक्रेन पर रूस के हमले के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव पर भारत समेत कितने देश ने वोट नहीं दिया है? तो इसका सही आंसर है 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 4 मार्च। आप लोगों से कल का सवाल था किस कंपनी ने दुनिया का सबसे तेज AI आधारित सुपर कंप्यूटर का विकास किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मेटा। आप लोगों के लिए आज का होमवर्क है भारतीय उच्च आयुक्त ने कहां पर सुवर्णो जयंती छात्रवृत्ति वेबसाइट शुरू किया है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के क्लास की PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको आज के क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेश्चंस है तो आप हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ID की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी के साथ अपनी इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई होगी और डेली ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।